अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा सवाल कल के टॉपिक से है, मुझको मौका नहीं मिला था पूछने का। तो जैसा कि आपने कहा, मुसलमान दुनिया की तालीम में बहुत पीछे हैं, ऑफ कोर्स बहुत पीछे हैं, और जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो मॉडर्न बन के इस्लाम से बहुत दूर चले जा रहे हैं। मतलब वो न्यूट्रल ओपिनियंस रखते हैं इस्लाम के रिलेटेड, और मुस्लिम खवातीन भी जो एजुकेटेड हो जा रही है, मतलब पर्दा नहीं कर रही, मॉडर्न बन जा रही। तो ये दीनी तालीम हासिल करके जो चीज़ें हो रहे, तो जैसा कि जब बच्चे हम उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालते हैं, तो अगर इसको 2 या 3 साल लगते हैं बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने में, अगर हम ये करके दुनिया की तालीम में अगर उनको एंटर कर ले, तो जिससे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है, और जहाँ पे हम इस्लाम को अच्छे से प्रोपोगेट कर सकते हैं और दुनियावी तालीम में टॉपर्स बन के, इंशाल्लाह इससे कौम का मतलब मुस्तकबिल चेंज हो सकता है। मैंने एक अच्छा सवाल किया कि बच्चों की तालीम के ताल्लुक से, कि बच्चों को हम तालीम देते हैं लेकिन वो पढ़ लिख कर इस्लाम के बारे में उनके न्यूट्रल व्यूज़ हो जाते हैं, चीज़ों को वो समझना नहीं चाहते हैं या जो भी उनकी बात हो जाती है, तो इस मामले में हम क्या करें? क्या बच्चों को पहले से तरबियत हो? देखिए, जब मॉडर्न एजुकेशन की हम बात कर रहे थे कल, तो उसका बेस यही था कि पहले इस्लामिक और रिलीजियस एजुकेशन भी उस बच्चे को दिया जाए। अब कैसे दिया जाएगा, उसका नज़्म क्या होगा? वो नज़्म के बारे में तो ऑलरेडी इतने सालों से उलमा वही तो बता रहे हैं, इतने सालों से जो बात हो रही थी वो यही हो रही थी। एजुकेशन की बात तो आज भी नहीं हो रही, मेंबर से और मेहराब से हो रही है क्या, मस्जिद के माइक से हो रही है क्या, आज भी नहीं हो रही है? तो बात तो वही हो रही ना, लेकिन उसके बाद भी हाल क्या है, कितने परसेंट लोगों की इस्लाह हो पाई आप देखिए। लिहाजा मैं ये कहूँगा, अगर मुझसे आप पूछे कैसा होना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा, जैसा आपने कहा, बच्चे जब होते 5-6 साल के, तो उसके बाद उनको हिफ्स के लिए डाल दिया जाए। अगर वो 2-3 साल में हिफ्स कर सकते हैं, लेकिन ये हर बच्चे की कैपेबिलिटी पर है, कर सकते हो ठीक, नहीं कर सकते तो ये एबिलिटी पर है, कुछ बच्चे नहीं हो पाते तो वो कर ले, उसके बाद फिर स्कूल जाए, तो जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट लेवल का एक बच्चा बन जाएगा, क्योंकि उसने इतनी बड़ी किताब ऑलरेडी हिफ्स कर रखी है। और सहाबा के दौर में ऐसे ही होता था, बच्चा सबसे पहले घर में तरबियत पाता था और हिफ्स शुरू करता था, हिफ्स करने के बाद फिर उस्ताद के पास जाके वो अरबी और उसके बाद कुरान और फिर तफसीर और वगैरह, अरबी बोले तो अरबी ही बोलते थे वो लोग, लेकिन अरबी को एज अ लैंग्वेज सीखना एक तरतीब में वो सब करते थे, तो वहाँ उसका जहन खुल जाता था। तो अगर हम भी ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अगर ये ना भी कर पाए तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि बच्चों को आप स्कूल भेजें और साथ में घर के ऊपर दीनी तरबियत का नज़्म हो, वरना ये तालीम वबाले जान बन सकती है, याद रखें। मतलब तालीम हासिल करके भी वो एक जाहिल इंसान रहेगा और तालीम नहीं हासिल करके भी जाहिल दोनों तरफ से रहने वाला है, उसे बचने वाला नहीं, जो कि दीनी तो उसको वैसे भी नहीं मिल रहा। ऐसा कोई सिस्टम मैंने देखा कि दीनी स्कूल जाए तो दीनी तालीम नहीं दे सकते, नामुमकिन, ऐसा नहीं है। हमने तो ऐसे ही बना दिया ना कि स्कूल गए तो दीनी तालीम नहीं हो सकती, नहीं, दोनों करना है। तो जाहिर सी बात है आपको दीनी तालीम भी हासिल करना है और दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ना है, तो कोशिश ये किया जाए घर के ऊपर तालीम का एक नज़्म हो, एक सिस्टम बनाया जाए, मकतब का एक जाल हो जो अलग अलग हो, अरबी के पढ़ाने का सिस्टम हो, दीनियात का एक सिस्टम हो, या ऐसे स्कूलों में डाले आप जहाँ दोनों एजुकेशन एक साथ दिया जाता हो, है ना, इस्लामिक स्कूल बोल सकते हैं उसको आप, जो भी नाम दें, तो ये कर ले तो मैं समझ दोनों हो जाएगा। दोनों करना है, बच्चा दीन भी सीखे दुनिया भी सीखे, जिसको आम जबान में कहते हैं एक हाथ में अल्लाह की किताब हो तो दूसरे हाथ में वो मॉडर्न एजुकेशन को साथ लेकर चल रहा हो, तभी हम कामयाब होंगे, वरना जैसा आपने कहा वही होगा कि तालीम तो हासिल कर लेंगे, दीनी उसको शऊर कुछ भी नहीं होगा, नतीजतन वो दीन के खिलाफ ही काम करेंगे इस तालीम को हासिल करके। लेकिन अगर ये जाहिल भी रहा तो भी गलती करने वाला आप, मतलब तालीम को बेस बना के आप नहीं बोल सकते कि तालीम हासिल किया बोल के इतना खतरनाक या गुमराह मुसलमान हुआ, वो जाहिल भी रहेंगे तो वैसे ही रहने वाला है। लिहाजा हम कहेंगे तालीम भी हासिल करो और इस्लामिक एजुकेशन भी गेन करो, दोनों अगर साथ लेके चलेंगे तो एक इंशाल्लाह एक रोशन मुस्तकबिल मुसलमानों का इस मुल्क में रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।